वेलकम बैक टू वंदना ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं नवनीत इंग्लिश हाई लेवल ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स स्टैंडर्ड सिक्स का चैप्टर नंबर 13 जो कि है वर्ब्स। तो बच्चों, ये जो वर्ब्स है वो क्या होते हैं? ये वर्ब्स जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं या फिर वर्ड्स होते हैं जो हमको बताता है कि जो ये पर्सन है या इसने क्या किया है, क्या करेगा या क्या कर चुका है, उसी से हमको क्या पता चलता है कि जो एक्शन है वो क्या हुआ है या एक्शन क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, वो हमको किसके थ्रू पता चलता है? वर्ब्स के थ्रू। जो ये वर्ब्स होते हैं ना, वो कितने तरह के होते हैं? टू टाइप्स के वर्ब्स होते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, और जो सेकेंड होता है वो होता है हमारा मेन वर्ब। ओके तो बच्चों, ये जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी इसे जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं या यूजफुल होते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और चैप्टर नंबर 12 तक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अ वर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज व्हाट अ पर्सन और थिंग इज हैज और डज। जो वर्ब है वो क्या होते हैं? तो वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो बताते हैं कि जो पर्सन है वो उसने क्या चीज की कर रहा है या वो क्या करता है, ये हमको वर्ब्स के थ्रू पता चलता है। तो जो द वर्ब्स बी हैव एंड डू एंड द वेरियस फॉर्म्स कैन बी यूज्ड एज हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स एज वेल एज मेन वर्ब्स। जो वर्ब्स होते हैं बी हैव डू, इसको हम हेल्पिंग वर्ब की जगह भी जैसे भी यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब्स की जगह भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब्स कितने तरह के होते हैं, दो होते हैं, एक होता है हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है बी हैव डू, उसको हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब की जैसे भी यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब्स के जैसे भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो एज मेन वर्ब्स हम कब यूज करते हैं? तो फर्स्ट टू बी वर्ब्स, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टू बी वर्ब्स आर प्रेजेंट टेंस में एम इज आर, पास्ट टेंस वाज वर एंड फ्यूचर टेंस विल शैल बी। बच्चों, आपको जो टेंसेस है वो अच्छी तरह से आते होंगे, आई होप सो। अगर आपको टेंसेस में डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसका मैं वीडियो आपके लिए जरूर बना दूंगी। तो जो प्रेजेंट टेंस है वो उसमें क्या आता है? इज आर एम आता है, पास्ट टेंस में आता है वाज वर, और फ्यूचर टेंस में आता है विल और शैल बी। एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर इन अ लार्ज स्कूल, मतलब क्या है? मैं लार्ज स्कूल में टीचर हूँ। एम, ये क्या है? एज अ मेन वर्ब इसको यूज किया है। और ये जो हमारा एम है वो हमेशा किसके साथ में आता है? वो हमेशा आई के साथ ही आता है। रितेश इज अ वेरी क्लेवर एंड सिंसियर यंग मैन। अब आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कोई मेन वर्ब है? नहीं है। मेन वर्ब्स कौन से होते हैं बच्चों? जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो हमको बताते हैं क्या एक्शन हो रहा है, जैसे ईटिंग, राइटिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ऑल दीज आर एक्शन वर्ड्स जो कि हम बोलते हैं मेन वर्ब्स। तो इसमें नहीं है मेन वर्ब। तो जो ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको ही एज ए मेन वर्ब हमने यूज किया है। तो ये इज कब आता है? जब सिंगुलर होता है, जब सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। दीज ब्राउन डॉग्स, दीज ब्राउन डॉग्स इट मीन्स प्लूरल है तो क्या आया? आर स्मॉल बट फियर्स। द स्काई सिंगुलर वॉज ब्लू एंड क्लियर येस्टरडे, यानी पास्ट की बात बता रहे हैं तो वॉज, सिंगुलर है तो वॉज। द पीपल ऑफ द सिटी वर फास्ट अस्लीप ड्यूरिंग द अटैक, यानी सो रहे थे। तो पीपल क्या है? प्लूरल, प्लूरल है तो वर। देयर विल बी एन एग्जीबिशन इन द स्कूल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक इन फ्यूचर तो विल बी,
आई शेल बी स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक टूमोरो, मतलब कल ने, तो फ्यूचर में, तो शेल बी, शेल बी किसके साथ में आता है बच्चों, आई के साथ में और वी के साथ में. नेक्स्ट इज टू हैव वर्ब्स. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द टू हैव वर्ब्स आर प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव. पास्ट टेंस में हैड, वेदर इट्स सिंगुलर और प्लूरल. फ्यूचर टेंस विल, शैल, हैव. एग्जांपल्स दे हैव गिवन अस, द लिटिल बॉय हैज नो मनी टू पे द फीस. द लिटिल बॉय सिंगुलर हैज. वी हैव नो आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम्स इन द स्कूल. हैव प्लूरल, वी इज प्लूरल. द चिल्ड्रन हैड आइसक्रीम एट यस्टरडेज पार्टी. यस्टरडेज कल, पास्ट तो हैड. वी विल हैव अ ग्रैंड पार्टी नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक प्लान कर रहे हैं तो वी विल हैव. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू डू वर्ब्स. द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द टू डू वर्ब आर प्रेजेंट टेंस डज अ डू, पास्ट टेंस डिड, फ्यूचर टेंस विल शैल डू. तो सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू. पास्ट टेंस में आएगा डिड, फ्यूचर टेंस में आएगा विल शैल डू. सो एग्जाम्पल्स अगेन, मीनल डज हर वर्क वेरी सिंसियरली. डज, मीनल इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई डज. द चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क इन द इवनिंग. चिल्ड्रन प्लूरल, सो डू. देवांग डिड द शॉपिंग ऑल बाय हिमसेल्फ. देवांग सिंगुलर और ये पास्ट टेंस है तो डिड. इसमें पास्ट टेंस में सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या आएगा, डिड ही आएगा. रजिया विल डू द क्लीनिंग ऑफ द हाउस टुमारो. टुमारो फ्यूचर, तो विल डू. नाउ विल डू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स. Am, is, are, was, were, will, shall be. The first one has been done as an example. There dash no holiday tomorrow. Future. So there will be no holiday tomorrow. The next is the boys dash pale with fear and hunger when we rescued them. So the boys were. Kya the? Pale the. So boys plural. Plural hai to were. So the boys were. Give me something to eat. I dash hungry. I के साथ में I am hungry. I dash in the school library tomorrow morning. I tomorrow morning यानि future. So I shall be in the school library tomorrow. Dash you the person I am looking for. यू क्या कंसिडर करते हैं हम हमेशा, प्लूरल. आई एंड यू बोथ आर प्लूरल, तो आर. आर यू द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर. दिस डैश द यंग मैन यू वर सर्चिंग फॉर. सो दिस इज, दिस क्या है, सिंगुलर. दिस टी एच ई ऐसे दिस होता है तो प्लूरल. तो इज शैली डैश शॉ ही हैड सीन द मंकी ऑन द ट्री. हैड सीन पास्ट टेंस, सो शैल इज सिंगुलर. सिंगुलर है तो वॉज. आई डैश वीक नाउ बट आई डैश हेल्दी इन माई चाइल्ड हेयर. तो आई एम वीक नाउ, आई के साथ में एम क्योंकि अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. बट I dash healthy in my childhood. Childhood यानी past की बात कर रहे हैं. तो I was healthy in my childhood. The sportsman dash angry because he felt he had been cheated. The sportsman was, M A N है singular, तो was. अगर M E N होता तो क्या होता, plural, तो were. You dash द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन आई हैव एवर सीन. यू क्या बताया था मैंने अभी आपको, कंसिडर करते हैं प्लूरल, तो यू के साथ में
प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आर, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर सीन। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए एक्सरसाइज का तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। हैज, हैव, हैड, विल, शैल, हैव। द फर्स्ट इज निशा डैश नो आइडिया हाउ डिफिकल्ट दिस जॉब इज। सिंगुलर, निशा इज सिंगुलर एंड इज अ प्रेजेंट टेंस, तो निशा हैज नो आइडिया। The hikers dash a long way to go before they reached the peak. The hikers had a long way to go before they reached past. तो had, और जब past perfect में, past में होता है तो singular हो चाहे plural हो, क्या लगता है? Had ही लगता है। We डैश सेवन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ आइसक्रीम एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट यानी प्रेजेंट। सो वी इज अ प्लूरल मोर देन वन, तो वी हैव, वी हैव सेवन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ आइसक्रीम। फोर्थ, द चिल्ड्रन डैश मैनी जॉब्स टू कंप्लीट राइट नाउ, राइट नाउ प्रेजेंट टेंस, चिल्ड्रन सिंगुलर सॉरी प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में हैव। द पुअर चिल्ड्रन डैश वॉट एवर देयर हार्ट्स डिजायर, द पुअर चिल्ड्रन शैल हैव। रजिया डैश थ्री चिल्ड्रन फ्रॉम हुम शी लव्स, रजिया हैज सिंगुलर हैज है प्रेजेंट। जेरी एंड हिज फ्रेंड्स डैश देयर बैग्स विद देम यस्टरडे पास्ट, यस्टरडे मतलब पास्ट, तो हैड। नाउ एक्सरसाइज थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। डज, डू, डिड, विल, शैल और डू। तो द वर्कर्स डैश दियर वर्क क्विकली बिकॉज दे वर इन अ हरी, मतलब जल्दी काम उन्होंने किया पास्ट, और पास्ट है तो डेड। ऑल ऑफ अस डैश आर होमवर्क बिफोर योर पेरेंट्स रीच होम, ऑल ऑफ अस डू अवर होमवर्क बिफोर आर पेरेंट्स रीच होम, डू। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये डू क्यों आया, क्योंकि ऑल है प्लूरल है, प्लूरल के साथ में डू, और सिंगुलर होगा तो डज। माय टीचर्स आर हैप्पी बिकॉज आई ऑलवेज डैश माय वर्क रेगुलरली, बिकॉज आई ऑलवेज डू माय वर्क प्रेजेंट। द चिल्ड्रेन डैश द क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम बिफोर द प्रिंसिपल अराइव्ड, द चिल्ड्रेन डिड द क्लीनिंग। मोनिका डैश हर योगा एक्सरसाइज बिफोर हर मदर गेट्स अप, मोनिका डज करती है, और मोनिका क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर में डज। शाजिया टोल्ड हर ब्रदर यू डैश ऑल द हाउस होल्ड कोर्स नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक फ्यूचर, तो यू विल डू, यू विल डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स नेक्स्ट वीक। जॉन डैश द जॉब क्विकली यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट, तो जॉन पास्ट है तो डिड, जॉन डिड द जॉब क्विकली यस्टरडे। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए बी एंड सी एंड री राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस बिलो। ओके, तो फर्स्ट वन इज राइट नाउ रोहन, रोहन तो सिंगुलर है तो क्या आ सकता है, हैज, राइट नाउ रोहन हैज अ पेन इन हिज हैंड, राइट नाउ रोहन हैज
a pen in his hand. Hopefully next week I shall be the monitor. Hopefully next week I shall be the monitor. The tired birds plural, to were, the tired birds were in their nests to rest. Then poor Namrata was very nervous during the exam. The cattle in the forest had no green grass. The plumber did the repair efficiently today. Sportsmen have many facilities for their sports session. The last one, safe, does his homework in the evenings. Okay, देखो, first one, right now Rohan has a pen in his hand. You have to write like this. Hopefully next week I shall be the monitor. The tired birds were in their nest to rest. Poor Namrata was very nervous during the exam. The cattle in that forest had no green grass last month. The plumber did the repair efficiently today. Today sportsmen have many facilities. And last one, safe does his homework in the evening. तो बच्चों, इसी के साथ में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 13 वर्ब्स फिनिश कर दिया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 14 ऑक्सिलरीज. तब तक टेक केयर, कीप वॉचिंग वंदना ट्यूटोरियल. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर से कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.